अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अहमद बीसी कोर्ट्स कनाडा से। जी दोस्तों, कनाडा में अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता है, जुल्म करता है, तो कैनेडियन बड़े फ़ख्र से कहता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट्स, मैं तुम्हें अदालतों में देखूंगा। पाकिस्तान में अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो वो पल्लू उठा के कहता है कि अल्लाह तुमसे पूछेगा और क़यामत के दिन मैं इसका तुमसे हिसाब लूँगा। इसकी वजह ये है कि कनाडा में कैनेडियन लोगों को पता है कि उनको इंसाफ मिलेगा, जुल्म करने वाला नहीं बच सकता, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों नहीं है। पाकिस्तान में मसला ये है कि हर शख्स जिसके पास पावर है, पैसा है, वो कानून से खेलता है, खिलवाड़ करता है और बच निकलता है। यही सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के जवाल की, गुर्बत की, करप्शन की, हर उस बुराई की जो आपको दनदनाती नज़र आती है। पाकिस्तान बदल सकता है, ज़रूर बदल सकता है, लेकिन उसकी क्राइटेरिया एक ही है, कुंजी एक ही है, वो है रूल ऑफ लॉ, आज़ाद अदलिया। अदालतें आज़ाद होंगी तो आज़ाद फैसले होंगे, और जो ज़ालिम है, जुल्म करने वाला है, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी से है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो कोई करप्ट माफिया है, कोई भी है, वो उस वक्त तक सांस नहीं ले सकता जब तक अदलिया हरकत में नहीं आती। तो पाकिस्तान बदल सकता है इंशाल्लाह, अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं आज़ाद अदलिया के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए। उसमें पाकिस्तान की जो बार्स हैं उनका कलीदी रोल है। अगर काले कोट वाले लोग जब पाकिस्तान बनाने के समय कायदे आज़म के साथ खड़े हुए थे, अगर उसी जोश व जज्बे के साथ आज वो खड़े हो जाएं और अदलिया की काली भेड़ों का एहतसाब शुरू करें, तो यकीन करें पाकिस्तान में जब अदल होगा तो फिर हर चीज़ बनना शुरू होगी। आप देखेंगे ना करप्शन रहेगी, ना सिक्योरिटी एजेंसीज़ कारोबार करेंगी, ना सियासत करेंगी, ना सियासतदान करप्शन करेंगे, ना पैसा बाहर जाएगा, और ना ही माफिया चीनी आटे की शक्ल में पाकिस्तान को लूटेगा। पाकिस्तान बदल सकता है, लेकिन आज़ाद अदलिया के ज़रिए। लीडर आपका जितना ईमानदार हो जाए, कुछ नहीं हो सकता जब तक अदलिया आज़ाद ना हो और रूल ऑफ लॉ ना हो। वो माशरे ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहाँ पे इंसाफ नहीं होता। तो पाकिस्तान में इंसाफ आज होना चाहिए, आज से होना चाहिए। आइए मिलके सब आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम 2021 और 22 में आज़ाद अदलिया के लिए आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह अगले एक साल में आज़ाद अदलिया को मुमकिन करके दिखाएंगे। कैंगरू कोर्ट से आज़ाद कोर्ट्स तक का सफ़र हम इंशाल्लाह इसी साल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।